हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और एक बार फिर से हाजिर हूँ संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट हमारे उन सभी भाइयों से, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट्स। पहला जो सवाल है वो है जाफर शेख भाई का। ये पूछने कि भाई, मेरे पास बजरी तोते के 3 पैर हैं, रात में पिंजरे की जाली पर चिपक जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कोई सलूशन बताएं। संडे आंसर रिप्लाई। तो देखिए भाई, बजरी पैरट जो होते हैं वो रात को जाली पर चिपक जाते हैं जब हम लोग लाइट ऑफ करने जाते हैं, और जाली पर ही चिपक कर वो सोते हैं, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ऐसा करते हैं। लेकिन ये आदत हमें छुड़वानी पड़ती है। कैसे छुड़वानी पड़ती है? जब आप रात को लाइट ऑफ करने जाएं तो उन्हें वहाँ से जाली से हटा दें, और जब वो स्टिक पर बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, तब आप लाइट को ऑफ कर दें। तो रोज़ आप कुछ दिन तक ऐसा करेंगे तो वो खुद ब खुद वो आदत उनसे छूट जाएगी। और रात को जब भी आप लाइट ऑफ करने जाएं तो लाइट ऑफ करें, ऑन करें, ऑफ करें, ऑन करें, ऐसा आप कीजिए, कुछ दिन तक ऐसा कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फीमेल्स होती है, अंडों पर होती है, तो वो उसको पता चल जाता है कि अभी लाइट ऑफ होने वाली है, और वो अपनी मटकी में चली जाती है। और जिस बर्ड्स की जो जगह होती है वो अपनी अपनी जगह वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब लाइट ऑफ होने वाली है, तो ये आदत भी छूट जाती है। बिल्कुल आप ऐसा कीजिए, वो जाली पर नहीं चिपकेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। गोवा बर्ड्स लवर ये पूछ रहे हैं कि भाई, मेरे पास एक पैर है और कन्फर्म है और एडल्ट है, फीमेल बार बार बॉक्स में जाती है और बाहर आ जाती है, क्या वो एक देगी और कब, कितने दिन में देगी? भाई प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, फीमेल ने बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है, अब उसकी जो है वो मैटिंग स्टार्ट होगी, और मैटिंग के 6ठे 7वें दिन आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। तो आप टेंशन ना लें, जोड़ा जो है वो मटकी को सेलेक्ट कर चुका है, अभी बहुत जल्द आपके पास अंडे भी आपको देखने को मिलेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। मधुरा फिश एक्वेरियम एंड बर्ड्स ये पूछ रहे हैं कि ब्रो, फीमेल अंडी में जाकर बैठती है दिन भर, क्या फीमेल ने अंडे ले किए हैं या नहीं, ये बताइए मुझे। देखिए भाई, फीमेल जो है पूरे ही दिन मटकी में बैठ रही है, तो हो सकता है कि उस फीमेल ने अंडे दे दिए होंगे, या ये भी हो सकता है कि फीमेल को चर्बी लग गई होगी, क्योंकि जब फीमेल को चर्बी लग जाती है तब भी वो ज़्यादा समय जो है वो मटकी में बिताती है। अब आप मटकी को चेक नहीं करना चाहते तो आप अपने केज के पास कुछ देर तक बैठिए, जब फीमेल बाहर आती है तब आप देखिएगा उसकी जो चेस्ट है वहाँ पे आपको एक मार्किंग मिलेगी, एक लाइन आपको मिलेगी फेदर के बीच में। जब फीमेल अंडों पर बैठती है तो अपने पूरे ही फेदर को खोलकर अंडों को सेकती है, अंडों को गर्म करती है, तो उसके यहाँ पर एक मार्किंग बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि फीमेल ने अंडे दे रखे हैं। तो ये सिम्टम्स आपको फीमेल में देखने को मिलेंगे। अगर चर्बी है तो उसका वेंट वाला एरिया ज़्यादा फूला हुआ रहेगा, और वहाँ पर आपको हल्की फुल्की येलोनेस भी आपको देखने को मिलेगी। चर्बी के ऊपर चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। MD ओसामा सर जी, मेरे पास एक जोड़ा है, गर्मी के टाइम से ब्रीडिंग कर रहा है, 5 क्लच कर चुका है, उस जोड़े को रेस्ट देना है, मैंने उसको अलग पिंजरे में दोनों को रखा, मेटिंग कर रहा है, दोनों को अलग अलग पिंजरे में रखा तो सुस्त बैठ रहे हैं, क्या करूं? दोनों को एक साथ रखता हूं तो मेटिंग करते हैं, अलग रखता हूं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, मुझे 1 मंथ का रेस्ट देना है। तो देखिए ओसामा भाई, आप जो हैं उनको रेस्ट पे रखिए, बिल्कुल मेटिंग हो रही है तो लंबे समय तक मेटिंग नहीं होगी, आप ये टेंशन छोड़ दें, उनको एक साथ रखिए, मेटिंग करना वो खुद ब खुद बंद कर देंगे, फीमेल खुद ही मेल को हटाना शुरू कर देगी। अब आपके मन में, माइंड में एक डाउट होगा कि मैंने ये जोड़ा लगाया था, अभी वीडियो भी मैंने शेयर की थी, ऊपर है, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, तो उस जोड़े की बिना मटकी के मेटिंग चल रही थी, और मैंने उस जोड़े को मटकी दे दी थी, तो दोनों की कंडीशन बिल्कुल अलग है। आपके पास जो जोड़ा है वो कंटिन्यू ब्रीड कर रहा है, 5 क्लच वो दे चुका है, गर्मी में भी आपने उसे ब्रीड लिए, और मेरे पास एक वो जोड़ा है जो जोड़े की नई पेयरिंग हुई है, फीमेल अकेली रही है, बिना मेल के रही है 2.5 महीने तक,
तो उस जोड़े को मैंने मटकी दी है, तो दोनों की कंडीशन बिल्कुल अलग है। हम भी जब ऑफ करते हैं गर्मी में मटकी निकालते हैं, तो कुछ जोड़े होते हैं जो मेटिंग कर रहे होते हैं लेकिन लंबे समय तक मेटिंग नहीं होती, एक दो दिन में ही वो बंद कर देते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। अंकुश नागपाल ये पूछ रहे कि भाई मेरे बजीज फीमेल ने टोटल 7 एग दिए हैं, 5 एग बड़े हैं 2 छोटे हैं, क्यों, प्लीज़ संडे रिप्लाई। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि अंडे छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा साइंस ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ज़्यादातर जो है ये फर्स्ट ब्रीड में देखने को मिलता है, लेकिन कई बार वो फीमेल्स भी अंडे छोटे बड़े दे देती है जो कि पहले ब्रीड कर चुकी होती है। छोटे अंडों में से भी बच्चे निकलते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको इतनी टेंशन ना ले, अंडे दिए बच्चे भी निकलेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। सज्जाद बहन जी सर आपके आंसर बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आगे ये पूछ रहे हैं कि जो मेरे दोनों नर हैं बहुत जल्दी हीट पे आ जाते हैं एंड एक जोड़ी का नर बहुत हीट पे रहता है बट फीमेल नहीं, फीमेल को चेंज की लोटिनों की जगह दूसरी फीमेल लाया हूँ, उसको भी 1 वीक हो गया है, क्या करूँ एंड केज में कितनी स्टिक लगानी चाहिए, मैंने 3 स्टिक लगाई है एंड 2 बॉक्स दिए हैं, एकदम मिडिल में लगाई है, सर संडे क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज़। देखिए आपने फीमेल को चेंज किया है और स्टिक आपने 3 लगाई है, तो देखिए जब हम जोड़ा लगाने के लिए एक अलग केज में मेल फीमेल को रखते हैं तो उस केज में 1 स्टिक लगाते हैं। 1 स्टिक लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जोड़ा जल्दी बन जाता है। अगर हम 2 या 3 स्टिक लगा देते हैं तो फीमेल्स कई बार होती है कि मेल्स के पेयरिंग नहीं करती, उससे दूर भागती है, और अगर स्टिक ज़्यादा होगी तो फीमेल जो है 1 स्टिक से दूसरी स्टिक पर जाती रहेगी और मेल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फीमेल को इम्प्रेस करने में। अगर 1 स्टिक होती है तो मेल का काम आसान हो जाता है, वो जोड़ा जल्दी बना लेता है, और ज़्यादा स्टिक है तो थोड़ा समय लंबा चला जाता है जोड़ा बनने में। तो आपने अगर नई फीमेल केज में छोड़ी है और कोई फाइट नहीं हो रही है तो थोड़ा वेट कीजिए, अभी आप 1 वीक ही हुआ है तो थोड़ा वेट कीजिए, जोड़ा बना लेगी तब बिल्कुल ब्रीड भी होगी, या आप उसे अलग केज में रख कर भी आप ब्रीड ले सकते हैं ताकि जल्दी जोड़ा बने और जल्दी आपके पास ब्रीड हो। आते हैं अगले सवाल पर। श्रेयस वेबल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे एक बजीज पैरट है, उसकी फर्स्ट ब्रीड है, मैंने 10 दिन पहले मटकी लगा दी थी, फीमेल मटकी को भी चेक करती है और मटकी के ऊपर बैठती है बट मटकी में नहीं जाती, मैंने मटकी की जगह भी चेंज करके देख ली है, मैं क्या करूं प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए फर्स्ट ब्रीड है तो हो सकता है कि अभी उनकी ब्रीडिंग एज ही नहीं हुई हो, ये भी हो सकता है, और अगर वो एडल्ट हो गए हैं और फर्स्ट ब्रीड है और 10 दिन पहले आपने मटकी लगाई है तो आप ये बताइए आपको लाए हुए कितने दिन हो गए, आपके पास वो कितने समय से है, ये तो नहीं है कि आप वो लेके आए और तुरंत ही आपने मटकी दे दी, तो थोड़ा टाइम तो बर्थ लेता है ये सेट होने में, और 10 दिन ही हुए हैं, अगर आपके पास पहले से भी है और 10 दिन ही हुए हैं और मटकी के ऊपर भी जा रही है तो थोड़ा आप वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, संयम रखिए, तो फीमेल मटकी को भी सेलेक्ट करेगी, बाकी जो डाइट है कैल्शियम विटामिन है वो भी आप देते रहिए, और एज क्या है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ज़रूर हो सकता है आपके पास जो जोड़ा है उसकी अभी ब्रीडिंग एज ही नहीं हुई हो। आते हैं अगले सवाल पर। मुशीद खान सर मेरे यहाँ फीमेल ने 1 एग दिया है, अब 2 दिन हो गए हैं और 1 नहीं दिया है, क्या वो और 1 देगी और वो 1 पर बहुत कम बैठ रही है, सर प्लीज़ रिप्लाई संडे क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए पहला अंडा दिया है फीमेल ने और आप बता रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं, दूसरा अंडा नहीं आया, तो कई बार ऐसा हो जाता है, वैसे ज़्यादातर दूसरे तीसरे दिन जो है वो अंडा देखने को मिल जाता है दूसरा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, कई बार फीमेल्स वो है दिन ज़्यादा ले लेती है, तो आप टेंशन ना ले, पहला अंडा आया है तो दूसरा भी ज़रूर आएगा। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने जवाब आप आज के इस वीडियो में दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे जवाबों से आपको संतुष्टि हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।